अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग मौजूद हैं एक और निजी यूनिवर्सिटी में, जहां पर ढूंढेंगे हम जुगाड़ू लोग, क्योंकि जुगाड़ स्टूडेंट और पाकिस्तानी गुजारा ही नहीं है जुगाड़ के बगैर। मैं भी तो जुगाड़ ही लगाता। जिस यूनिवर्सिटी में मौजूद है, यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ जुगाड़ू लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे जुगाड़ लगाए हों जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, और वो शेयर जो करेंगे वो फिर आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करके देख सकें क्या ये जुगाड़ पॉसिबल है या नहीं। तो आइए चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ और जानते हैं उनसे उनके मज़े मज़े के जुगाड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जुगाड़ू हैं? नहीं, कभी जुगाड़ नहीं लगाया बाल स्ट्रेट करने के लिए? नहीं। बाल स्ट्रेट कैसे करती हैं? स्ट्रेटनर से। कर्ल कैसे कर? कर्लर से। अगर कभी ना हो, लाइट चली जाए, तो फिर? फिर मैं नहीं करती। नहीं करती। अच्छा, हमारे पास आपके लिए एक जुगाड़ है कि आज हम लोग लाए हैं सुई और धागा। तो ये सुई है और ये धागा है। आपने सूरज की तरफ देखना है, ठीक है? सूरज के आगे सुई रखनी है और धागा आपने इसमें सुई में धागा डाल के दिखाना है। ये नहीं होता। डल गया, डल गया। नहीं कर सकी है जुगाड़ जी। तो हमारे साथ एक और जुगाड़ू मौजूद है, इनसे पूछते हैं इन्होंने आज तक कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाया है वो ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगाड़ू हैं? बहुत ज्यादा। जिंदगी में कोई ऐसा जुगाड़ लगाया हो जो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हूँ? इतने सारे, कौन कौन सा शेयर करूँ? कोई एक अभी तो जो आप जुगाड़ू देंगे वो लगा के देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रही हैं कि आपका जो जुगाड़ होगा वो मैं करके दिखाऊंगी। तो जैसा कि हमारे पास आज है, एक सुई है आपके पास और एक धागा है, ठीक है? आपने सूरज की तरफ करना है मुंह, ठीक है, और सूरज के आगे हाथ रखना है, और आपने सुई में धागा डालना है। आपके पास 35 to 40 सेकंड्स हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे पूछते हैं इन्होंने ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से जुगाड़ लगाए हैं और क्या वो ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जुगाड़ लगाया कभी ज़िंदगी में? बचपन में कभी कभार। कोई ऐसा जुगाड़ जो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हूँ? ऐसे कुछ खास याद तो नहीं है, बस ऐसा कभी किया है कि अगर कपड़े वगैरह फट जाते तो छुपा के स्टिच वगैरह कर लिया जाता था ताकि नज़र ना आए। अच्छा, और अगर कभी रिजल्ट बुरा आ जाए तो मम्मा पापा से झूठ बोला? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आया बुरा। अभी तक नहीं आया। तो हमारे पास आपके लिए जुगाड़ है कि सुई, धागा, सूरज, वो है सूरज की तरफ देखना है आपने और सुई में धागा डालना है। आपके पास 30 to 40 सेकंड्स हैं, ठीक है? डन है, करेंगी? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी में कोई जुगाड़ लगाया है? सारी ज़िंदगी जुगाड़ ही किए हैं, और किया क्या? और कोई ऐसा जुगाड़ जो शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ? सारे जुगाड़ ही लगाते हैं सुबह से लेके शाम तक। सुबह कोई एक? सुबह जिस तरह आजकल सर्दी है, नहा सकते नहीं हो तो सर धो लो, सबसे बड़ा जुगाड़ है। सर धो ले मतलब बंदा सही लगेगा कि नहाया ना आया? पता, ये देखो यार, नहीं नहाया। लेकिन फिर भी ठीक लग रहा हूँ। आपके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, वो ये है कि आपके पास ये सुई है, ठीक है? ऐसे काम तो ये लड़कियों का है। और ये धागा है। अच्छा। आपने सूरज की तरफ देखना है और आपने इसमें धागा डालना है, बिल्कुल सूरज के आगे सुई रखनी है आपने। यहाँ पे जी, कि इसके नके के अंदर से सुई, वो सूरज नजर आए। डाल दिया है। बेसिकली काम तो लड़कियों का, लेकिन कर लिया मैंने। वैसे वाकई सच्ची में ये जुगाड़ू हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह अपना जुगाड़ बताया और जिन्होंने इस तरह, इन्होंने सबसे जल्दी अपना जुगाड़ करके दिखाया। तो जुगाड़ू लोग हों और स्टूडेंट्स ना हों, ऐसा हो ही नहीं सकता।
जी तो आपने जाने मजे मजे के जुगाड़। कैसा लगा जुगाड़ देख के? जो जुगाड़ आज हुए हैं, कुछ लोग बच्चे कर सके हैं, कुछ लोग नहीं कर सके, तो जो लोग कर सके हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो लोग नहीं कर सके वो तो ट्राई करें, वो कर सकते हैं, क्योंकि जुगाड़ ऐसी चीज़ है जिसके बगैर किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। तो इसी तरह हमारे जुगाड़ देखते रहें, और अगर आप चाहते हैं हम आपकी यूनिवर्सिटी में आएँ तो लाजमी नीचे मेंशन करें। अगर आपके कॉलेज में आना चाहे, आप हमें बुलाना चाहते हैं तो लाजमी नीचे मेंशन करें, क्योंकि ना किसी पे भरोसा ना किसी पे एतबार, अपना तो गुजारा फक्त जुगाड़। तो इसी तरह जुगाड़ को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, क्योंकि आपके व्यूअर, आपकी व्यूअरशिप ही हमें बताएगी कि जुगाड़ आपको कौन कौन सा अच्छा लगा। तो और एक और बात, घंटी घंटी बजानी नहीं भूलनी, क्योंकि घंटी बजाएंगे टन की आवाज़ आएगी तो मज़ा।